फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ग्रीन बालकनी गार्डन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सदाबहार पौधा है, आप इसको अपने घर के गमले में लगा सकते हैं या अपने गार्डन में इसको लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। अगर आपके घर कोई भी आता है इसको देख के वो बोलेगा यार कौन सा पौधा है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। इसमें कांटे होते हैं, खास करके इनको वहाँ पे लगाएं जैसे कि जिनके घर में बच्चे हैं। अगर जिनके घर में बच्चे हैं अगर वो इसको लगाते हैं तो इसके लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। जो आपके गार्डन में बच्चे जाके फूल तोड़ते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, अगर आप वहाँ इसको लगाते हैं तो बच्चे इसको छूने से पहले उनको हल्का सा चुभन होगी। इसके किसके किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के हल्के कांटे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे कांटे हैं। अगर आप कांटों में अगर बच्चों को उंगली अगर लगती जरा से भी तो वहां से भग जाएंगे और आपका गार्डन सेफ बचा रहेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको बच्चों से अपना गार्डन को दूर रखना चाहिए, सदाबहार को आप लगाइए, इससे आपको ढेर सारे बच्चों से तो आपको दूरी आपका नुकसान होने से बच जाएगा। ये बच्चे उसको छूते ही इसे छूएंगे फिर तुरंत चुप जाएगा और चुपते ही वहां से तुरंत भग जाएंगे, वहां रुकेंगे नहीं एक मिनट के लिए। इसलिए आप इसको लगाइए अपने गार्डन में। इसको लगाने से बच्चों से आपको जो आपके बच्चे नुकसान कर देते हैं, फूल पौधों को तोड़ देते हैं, इससे आपको ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। इसलिए आप अपने इस गार्डन को लगाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।